हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 47 और इस लेसन में सीखेंगे एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, ओके, फंक्शन के अंदर। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, ओके, तो उसमें जो पैरामीटर पास होते हैं वो पैरामीटर कहलाता है एक्चुअल पैरामीटर, ओके। यानी कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल, जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें जो वैल्यू डालते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू, तो वो कहलाता है एक्चुअल पैरामीटर, ओके। और फॉर्मल पैरामीटर यानी कि फंक्शन डेफिनेशन में जो हम वेरिएबल लेते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ये देखिए, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ओके, वॉइड डिस्प्ले और इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ओके। तो यहाँ पर जो हमने ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, ओके, फॉर्मल। यानी कि फंक्शन के अंदर ये डेफिनेशन है फंक्शन की, और जितने भी वेरिएबल आप यहाँ पर लेते हो उसे बोला जाता है फॉर्मल, ओके। और यहाँ पर फंक्शन जब आप कॉल करते हो डिस्प्ले, यहाँ पर दो वैल्यू एंटर करोगे आप, ओके, तो ये दो वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। ये फॉर्मल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ओके। जब भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे तो कोई ना कोई अलग आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ओके, तो ए और बी की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं फॉर्मल, ओके। और यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ओके, ए इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी इक्वल टू परसेंटेज डी, देन ए कॉमा बी, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, ओके। बट इस लेसन में क्या सीखना है हमें, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो ये है हमारा एक्चुअल पैरामीटर, फंक्शन कॉल करते हैं तब हम वैल्यू पास करते हैं, ओके। और फॉर्मल पैरामीटर जो कि फंक्शन डेफिनेशन में हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स, वो कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो इसको रन करूँगा तो ए और बी की वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले होगी 7 और 3 और कुछ नहीं होगा, ओके। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, और यहाँ पर आप दो वेरिएबल भी ले सकते हो, ओके, नंबर वन इक्वल टू कोई वैल्यू दे सकते हो एंड नंबर टू करके भी कोई वैल्यू दे सकते हो, ओके। और दोनों वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते हो नंबर 1, नंबर 2, ओके। तो ये नंबर 1 एंड नंबर 2 दो वेरिएबल वो क्या कहलाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, इसलिए मैं दोनों साथ में बोलता हूँ, ओके। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है। तो ये है एक्चुअल पैरामीटर नंबर 1 नंबर 2, और ये है फॉर्मल पैरामीटर। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किस में कॉपी होती है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी होती है। यानी कि नंबर 1 की वैल्यू ए में आएगी, नंबर 2 की वैल्यू कहाँ पर आएगी, बी के अंदर आएगी, ओके। तो ये होता है दोस्तों एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और इसे पैरामीटर भी बोला जाता है, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।